और हाइट है 120 और ये भी 120 हो जाएगा 2 × 60, तो ये दोनों कितना हो गया 240। और ये हो गया कितना 3600। 3 तो कट भी तो जाएगा, हाँ कितना आएगा 20, तो 1200 पाई इनटू इतना, इसको ऐसे रहने दो, ठीक है। अब हम निकालेंगे वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर, सिलेंडर मतलब राइट सर्कुलर सिलेंडर, ये क्या होता है पाई आर स्क्वायर, रेडियस सेम है इसका भी, और ये यहां पर चेंज कर लो, कैपिटल एच कर लो, हाइट इसका ज्यादा पाई, यहां पर रेडियस है 60 × 60, हाइट है कितना 180, ठीक है। हाँ तो इसको ऐसे ही रहने दो, कोई बात नहीं है, अभी मल्टीप्लाई करोगे तो बहुत ज्यादा आ जाएगा। अब क्या करते हैं देखिए, हमें वॉल्यूम ऑफ लेफ्ट वाटर निकालना है, क्या निकालना है वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट, वाटर लेफ्ट इन द सिलेंडर, तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर सिलेंडर माइनस वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, ठीक है। तो सिलेंडर में से आपको माइनस करना है, सिलेंडर का कितना है भाई यहां कितना आएगा 3600 180 पाई माइनस इसका आएगा 1200 240 पाई, इसलिए देखिए मल्टीप्लाई नहीं किया, कॉमन बन जाएगा, हाँ हाँ यहां से कॉमन कितना लेंगे 180 पाई बाहर होगा कि नहीं होगा, और 1200 भी बाहर होगा, क्यों जी देखिए 1200 दोनों में आ जाएगा और 180 दोनों में आ जाएगा, तो मैं 1200 और 180 बाहर कर लेता हूं और पाई, तो 1200 यहां 3 आएगा ना, हाँ और यहां पर कितना आएगा 180 सेम आ रहा है, मल्टीप्लाई कर लेंगे आप, नहीं कॉमन नहीं होगा 240 में कॉमन नहीं होगा, नहीं 60 हां कॉमन गलत हो रहा है, 60 कॉमन, हां 60 कॉमन, हां 60 कॉमन होगा, यस सर चलो ठीक है 60 कॉमन ले लो, 60 पाई है। अब बताओ यहां इसमें तो 3 आएगा और इसमें भी 3 आएगा, 9 आएगा ना, नहीं समझ पा रहे, अरे 1200 से डिवाइड करोगे 3 आएगा, और 60 से डिवाइड करोगे कितना आएगा 3, तो आएगा 3 × 3 9 होता है ना, यहाँ पर 1200 कॉमन हो गया पूरा, 60 का मतलब यहाँ 4 आएगा ना, कितना आएगा 4 नहीं आएगा, 6 × 4 = 24 होता है, तो इसको आप सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा, इसको तो मल्टीप्लाई कर ही लो, 0 0 3 हो गया 72,000 पाई इनटू 5, हां अब 5 से भी मल्टीप्लाई कर लो, तो इसको और मल्टीप्लाई करो, 3 0 तो ये हो गया, एक जीरो और आएगा और 1 कैरी आएगा 36 यहां जाएगा, पाई में देखिए आंसर कितना आएगा, ये थोड़ा कटता नहीं 7 से, इसीलिए मैंने ऐसे किया, पाई में आंसर नहीं मिलेगा, आंसर डेसिमल में होगा 1 पॉइंट, हाँ तो पॉइंट से बचने के लिए तो सब किया है, अब सही है बस, जब डेसिमल में आने लगे तो पाई नहीं रखो।
बाद में चाहो तो यहाँ रख ही सकते हो 3.14। आप 3.14 रखोगे तो डायरेक्ट आ जाएगा, क्यों क्वेश्चन थे और कितना आपने बताया, 6 क्वेश्चन बताया, 2 क्वेश्चन छोड़ दे रहा हूं, वो आप करेंगे। नहीं आठवां बता दे रहा हूं, सात आठ एक ही छोड़ रहा हूं, लेकिन 6-7 एक जैसा। एट वाला कैलकुलेशन टफ है, इसलिए इसमें पाई की वैल्यू 3.14 रखा रखना। तो आप देखिए पूरा कैलकुलेशन नहीं करेंगे बट ये बता देंगे कैसे होगा। एक्सरसाइज से एक क्वेश्चन आएगा, हाँ क्वेश्चन नंबर 8 हो गया जी, लिख नहीं पाते हैं लोग। क्वेश्चन नंबर 8, हाँ देखिए एक स्पेक्ट्रम क्लास है इस टाइप का, हाँ देखिए इस टाइप का है, यहाँ पर रेडियस गिवन है, ये तो 8 सेंटीमीटर है, नेक इसका ये है 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर ये स्केलेटल क्लास, बेसल है ये स्केलेटल नेक 1 सेंटीमीटर लॉन्ग, 2 सेंटीमीटर डायमीटर, ये वाला है रेडियस 1 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर रेडियस है 1 सेंटीमीटर और एच है 8 सेंटीमीटर और डायमीटर ऑफ स्पेरिकल पार्ट इसका है 8.5 सेंटीमीटर, तो इसका रेडियस कितना है 8.5/2, इसको फ्रैक्शन में बताना कितना होगा 17/2 इनटू 4 भी हो जाएगा। अरे भाई ये डायमीटर है 17/2 तो ये बाई 2 लिखेंगे तो 4 आ जाएगा, या ऐसे कर लो 17/2/2 17/4। देखिए इसका रेडियस मिल गया आपका, इसमें आंसर भी गिवन है, आपको मैचिंग करना है कि आंसर करेक्ट है कि इनकरेक्ट है। वाटर इसमें भरना है आपको, अमाउंट ऑफ वाटर पूछ रहा है, मतलब वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ दिस वेसल, तो देखिए वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ द वेसल, वेसल क्या होगा वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर प्लस वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर। सिलेंडर का क्या होता है जी पाई आर स्क्वायर एच, और इसका स्फीयर का 4/3 πr³, कैपिटल आ रहा है इसका रेडियस, और पाई आप बाहर कर लो सिर्फ पाई बाहर होगा, और स्मॉल r की वैल्यू क्या थी 1 1 स्क्वायर हाइट क्या है 8,
फोर बाई थ्री, इसकी वैल्यू कितनी है 17 बाई फोर, कितनी बार, तीन बार। देखो जी अब पाई आपको पता है क्या है, 3.14 है, 8 प्लस एक चार से चार को उड़ा दो, 16 फोर जे थ्री जे कितना होता 48, क्यों जी हाँ थ्री, हाँ इसमें 16 और 3 जा 48 आएगा। देखो मैं यहाँ चाहता तो 4.25 भी बना देता, yes, sir. तीन बार आप मल्टीप्लाई करोगे ना हालत खराब हो जाएगी, और ऐसे भी कहाँ सही होने वाला, 17 का तीन बार मल्टीप्लाई करना तो दो बार तो मुझे याद है 289 होता है ना, कितना होता 17 का टेबल पता होना चाहिए आपसे, बताओ कितना होगा 17.9 जी आप वैसे बेइज्जती कराओगे 153 होगा ना, और 17.8 जी आप हाँ 136 ना 136 एक आएगा अच्छा तो ये मास्क निकल गया है कि इससे ना बता पाओ छिपा लो, मतलब सब भी नहीं आएगा। हाँ हाँ इसका इसका अब इसका मल्टीप्लाई करो फिर प्लस करो फिर डिवाइड करो फिर मल्टीप्लाई करो, अब आप आगे कर लीजिए, आप 4.25 से भी कर सकते हैं, बात समझ रहे हैं, तो ये भी कब तगड़ा नहीं है ना, वही तगड़ा कब तगड़ा है, तो आप करिए इसको अच्छे से घर पर आराम से खा पी के बढ़िया से करना, आंसर आ जाएगा, हो गया जल्दी करो। अब इसका एलसीएम ले लो, थोड़ा सा और कर दें क्या, चलिए देखिए, अरे थोड़ा सा कर दो करना, चलो ये अभी 22/7 होता कुछ और आसान भी हो जाता, चलो अच्छा कोई बात नहीं, ये कितना था जी तो गलत लिख दिया 49 छूट गया, इसको प्लस कर लो कितना आएगा 7 8 1 9 और 9 3 12 5 48 × 3.14 अभी दो से काट दो जाओ दो से कटेगा ना, थोड़ा छोटा हो जाएगा और क्या 24 यहाँ जाएगा 1.5 और 7 हाँ 24 से डिवाइड मल्टीप्लाई करके, अच्छा ये भी तो कर सकता है ना 5 × 7 7 7 14 14 और 9 कितना 23 नहीं कटेगा, 3 मैं सोच रहा था 3 से कट जाएगा, नहीं कटेगा, तो आप मल्टीप्लाई करके आपको 24 से काटना ही पड़ेगा, तो इतना कर लीजिए बाकी गलत तो करना। हाँ चलिए देखिए नेक्स्ट एक्सरसाइज, अच्छा इससे ऊपर वाले में वॉल्यूम निकालना है और मास दे रखा है, मास ही निकालना है, हाँ मास आपका 4 वॉल्यूम निकालेंगे ना, और जो वॉल्यूम आएगा उसमें 1 ग्राम से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ग्राम में आ जाएगा, ग्राम को किलोग्राम में बदलने के लिए क्या करते हो,
1000 वही तो करते हो, एक क्वेश्चन छोड़ रहे हैं उसको आप करना, थोड़ा बहुत सिग्नल चाहिए। हाँ चलिए आगे चलते हैं, बस अब 2 मिनट बचा है नहीं।